सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9:30 बजे से। तो आज हम जा रहे हैं फिरूल के लिए जंगल। जो फिरूल होता है उसको हम खेत में जलाते हैं। तो मम्मी तो चलेगी ऊपर, भारती आ रही पीछे से। तो हम तीन लोग जा रहे हैं आज जंगल। तो चलो चलते हैं जंगल और दिखाते हैं आपको हमारा जंगल। सभी भारती भी आ गई है। भारती हेलो बोल। भारती भी आ गई है और अब हम चल रहे हैं रोड से ऊपर को। मम्मी तो ऊपर चलेगी वहाँ पे। ये धूप भी आज भयंकर वाली लग गई है और मैं टॉवल भी लेके जा रही हूँ पीठ पे लगाने के लिए, वरना ये पिरुल चुपता है पीठ पे। तेरा टॉवल कहाँ है? तूने स्वेटर पहनी है? तेरा नहीं चुभेगा। मेरा स्वेटर नहीं पहनी है इसलिए मैं टॉवल लेके आई हूँ। सो गाइज हम जा रहे हैं ऊपर को, हमारा जंगल है ऊपर को। यहाँ पे रोड है और ऊपर को हमारा जंगल। ये हमारा प्यारा सा जंगल और इस जंगल में है बहुत सारे चीड़ के पेड़। भारतीय चीड़ के पेड़ दिखा। हमारे जंगल में होते हैं सबसे ज़्यादा चीड़ के पेड़। यहाँ पे माया सो रही है पिरुल। ये देख सकते हो आप, माया ने इतना ज़्यादा सो लिया है। ये हमसे पहले आ गई थी। ये रहा इसका सोल्टा। तो इस बार तो फिरूल कमी पर रखा है। हम एक दिन बस एक ही चक्कर लगाते हैं। पहले तो हम तीन चार चक्कर लगाते थे, दिन के तीन चार चक्कर लगाते थे और पूरा खेत में जलाते थे। इस बार फिरूल भी कमी पर रखा है। मैं तो फर्स्ट बार आ रही हूँ आज। भारती चौथा बार आ रही है तो मैं तो फर्स्ट बार आ रही हूँ आज। ये यहाँ पे पड़ा है फिरूल। ये तीन घंटे पड़े यार, बहुत नए हैं, थोड़ा मतलब जो नए। तो यहाँ पे तो पिरुल पर है बट कम है यहाँ पे। तो हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे बहुत सारा होगा तो हमारा सोल्टा जल्दी जल्दी भर जाएगा। ये मम्मी शुरू होगी यहाँ पे। हम कहाँ जाने यार? कुमल है तू इतिहानी सोन है, तू इतिहान है। हम भी रुकिए। हाँ वो तिकाना तो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मम्मी ने भी इतना सोल लिया है और ये रहा मम्मी का सोल्टा। तो यहाँ पे रखूँगी मैं अपना सोल्टा। यहाँ पे जिको बना लेती हूँ मैं अपने सोल्टे के लिए ताकि वो गिरे ना, अच्छे से अटक जाए और अच्छे से मेरा सोल्टा लग जाए। तो यहाँ पे बना लिया मैंने अपने सोल्टे के लिए जगह। यहाँ पे अटका दूंगी मैं अपना सोल्टा। ये रहा मेरा सोल्टा। तो अब सोते हैं पिरुल। ये यहाँ पे है पिरुल, सोते हैं जल्दी से। यहाँ पे भारती भी शुरू होगी, सोने पे लग गई ये। सो हमने सोर दिया है पूरा पिरुल। ये यहाँ पे सो रहा है मैंने और वहाँ पे सो रही है भारती। ये हम ऊपर से लेके आए नीचे और यहाँ पे सोल्टर है और लगाते हैं सोल्टा फिर। सोल्टा लगा रहे हैं, लगने वाला है सोल्टा। इतना पिरुल सर दिया। यहाँ पे लग चुका है मेरा सोल्टा। इतना ही रख, ज़्यादा भारी होगा। तो गाइस यहाँ पे लग चुका है हमारा सोल्टा। अभी मेरा लगा है और अभी लगाएंगे भारती का। तो इसको मैं टाइट से कस लेती हूँ ताकि ये गिरे ना, ताकि ये सीधा खेत तक पहुँचे।
खेत भी बहुत दूर है, तो इसको मैंने पूरा अच्छे से कस लिया है साइड से। तो चलो अब भारती का लगाते हैं। तो ये रहा भारती का सोल्टा, और भारती भर रही है अपना सोल्टा। जल्दी जल्दी भर भारती, शाबाश शाबाश, भर भर भर। तो हम सोल्टा में भरेंगे, उसके बाद रखेंगे इसके ऊपर से। अभी तो सोल्टा ही भर रही है। तो भारती ने भी सोल्टा भर लिया है, अब थोड़ा सा ऊपर रखेगी सोल्टा के ऊपर से। ये देखो भारती को कैसे चढ़ी है सोल्टे के ऊपर। और ये देखो गाइस, ये हमारे चीड़ के पेड़ हैं, इन पे लीसा निकाला हुआ है, तो ये सूख जाएंगे जल्दी। पता नहीं ये लीसा क्यों निकालते हैं लोग। तो इस बार तो हमारे जंगल में कमी पीरूल पड़ रखा है, इसलिए हमें लेट भी होगी। पहले तो जल्दी जल्दी सोल्टा भी भर जाता था, इस बार पीरूल भी कमी पड़ रखा है तो हमें लेट होगी। तो इस बार हमारे जंगल में कमी पिरूल पर रखा है, कम इसलिए पर रखा क्योंकि कुछ महीने पहले यहाँ पे आग लगी हुई थी, तो आग से सारा जल चुका है। और इस बार बारिश भी लगातार हो रही थी और धूप भी कमी हो रही थी, तो बारिश आने की वजह से मतलब पिरूल भी नहीं गिरा, हराई हो रखा है पूरा पेड़, देख सकते हो आप पूरा पेड़ हरा हरा हो रखा है, तो इसलिए पिरूल भी नहीं गिरा। तो कुछ टाइम बाद गिरेगा पिरूल और हम सारेंगे उसको घर के लिए, गाय भैंसों के लिए। और अभी तो हम फिलहाल मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेके जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही जला रहे हैं खेत भी, और ज़्यादा मतलब कि झाड़ निकाल रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि हम खेतों में जो झाड़ है वो निकालते नहीं थे, मतलब पिरूल डालते थे तो पिरूल से जल जाता था पूरा। और इस बार हम झाड़ भी निकाल रहे हैं और पिरूल भी डाल रहे हैं, किसी खेत में पिरूल डाल रहे हैं और किसी में झाड़ निकाल रहे हैं। तो इस वजह से हम आग लगने की वजह से हमारे जंगल में बहुत नुकसान हुआ है। और तो अभी चल रहे हैं हम घर को, हमारा सोल्टा भी भर चुका है और हम चल रहे हैं घर को। मम्मी तो चलेगी, माया भी चलेगी, और भारती में जा रहे हैं सबसे लास्ट। ये रही भारती। तो चलो भाई जल्दी जल्दी चलो सीधा खेत में। यहाँ से भारती और मेरा रास्ता होगा अलग अलग, भारती यार इधर को और मैं चलूँगी इधर को। चल रहे ठीक है भाई। यहाँ पे ताई लोग ने भी डाल दिया है पिरूल, ताई लोग भी इसको सूखने देंगे अभी, तो शाम को जलाएंगे। यहाँ पे है किरण देवी। क्या अच्छा, क्या क्या कर रही तू, तोड़ के दिखा मेरा फ़ोन, तोड़ के दिखा, हाथ लगा के दिखा। ये पुंतरू में क्या लेके आई है इसमें? किसकी ड्रेस है, सूट है, किसकी सूट है, कहाँ ले जा रही, क्या सिलने के लिए? भारती और मैं जंगल और कहाँ, चल आ जा। फीस दिया तूने पूरा, फीस दिया पूरा। तो ये हमारे सिमार वाले खेत हैं, हमारे तो नहीं हैं, चाची लोगों के हैं सिमार। यहाँ पे बहुत अच्छा घास होता है, पूरा हरा भरा हो रखा है घास से। तो मैंने रख दिया है पिरूल खेत में और अभी फींचा नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारा पिरूल चाहिए। एक दो चक्कर और लेके आएंगे तो तब सभी साथ खींचेंगे और तब डालेंगे आग। और मम्मी दूसरे खेत में लेके गई, मैं दूसरे खेत में लेके गई, और मम्मी अभी पी रही है वहाँ पे पानी। देवे आई जान है तो यहाँ पे मम्मी डाल रही है पिरूल, ये देख सकते हो गाइस, मम्मी डाल दिया यहाँ पे पिरूल। ये हमने डाल दिया है पूरा खेत, पूरा तो नहीं डाला है, आधा बचा है लास्ट पे। तो दो चक्कर लेके आए हम, फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो ये पूरा होगा तो तब डालेंगे हम इसमें आग। ये देखो मम्मी। तो पिरूल डालने से ये जो झाड़ होता है हरा पूरा जल जाता है और अनाज भी अच्छा होता है। और ये हमारे सोल्टे। तो आज लेके आए हम दो चक्कर पिरूल, फिर भी खेत पूरा नहीं हुआ, एक चक्कर और लेके आएंगे शाम को, तो कल जलाएंगे हम इसको खेत को। गर्मी भी भयंकर की हो रही है, अभी तो थोड़ा बहुत हवा चल रही है। मैं बैठी हूँ पेड़ के छाया में, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं
घर को